नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हे ट्रांसप्लांट इंडिया। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले थैंक यू सो मच है आप सभी का जो मेरे पिछला दो वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, क्योंकि मैंने पेशेंट की पूरी सर्जरी दिखाई है, लाइव बात हुई है और पेशेंट की जो जानकारियां हैं, जो डिटेल्स है वो आपके सामने रखी है। पिछला दो वीडियो कुछ इस तरीके से था, ये और ये वाला। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए और बताइए कि वो वीडियो कैसा था, कमेंट जरूर करना। महाशिवरात्रि की आपको बहुत सारे शुभकामनाएं हैं। दोस्तों आज बात करने वाले हैं दिल्ली के एक पेशेंट की, जिन्होंने दिल्ली में बहुत सारे क्लिनिक में पता किया कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे कॉस्ट में, अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए, अच्छा रिजल्ट मिल जाए, लेकिन उनको दिल्ली में कोई ऐसा क्लिनिक नहीं मिला। फिर उन्होंने मेरा वीडियो देखा और वीडियो देख के हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारे पास उन्होंने आए और उनका एक ब्यूटीफुल हेयर ट्रांसप्लांट करके हमने दिया है, तो आज मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लो अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, क्योंकि आज से 4 साल पहले मैंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और मैं पूरी जर्नी आपको शेयर करता हूँ। आते हैं दोस्तों टॉपिक पे, बात करते हैं आज के जो हमारे साथ पेशेंट है जिनका बोनलेस कुछ इस तरीके से था। आप देख सकते हैं कि पूरा हाफ पोर्शन इनका खाली हो चुका है, सामने हेयर लाइंस पीछे चली गई है, उसके बावजूद इनको बहुत ज़्यादा अच्छा सर्जरी करके हमने दिया है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि पूरा 3000 ग्राफ्ट इनको लगाए गए हैं, निरिल टेक्निक से ग्राफ्ट लगाए गए हैं और FUE टेक्निक से ग्राफ्ट निकाले गए हैं। बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है दोस्तों सिर्फ ₹15 पर ग्राफ्ट में, क्योंकि ₹15 पर ग्राफ्ट में इनको रहना, खाना, मेडिसिन वो सारी चीज़ें भी फ्री मिली है, जो कि इनका आप हेड देख सकते हैं दोस्तों कि कितने अच्छी तरीके से हमने पूरी ग्राफ्टिंग की है, पूरा का पूरा एरिया कवर किया जो खाली था। डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा दी गई है दोस्तों, जो कि डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, उनको पता कि जितना एरिया खाली है वो पूरा का पूरा कवर करना है। अलग अलग एंगल से देख सकते हैं कि कितना अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। बात करते हैं दोस्तों पेशेंट की, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे, जितना इनका बॉलनेस था कोई अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट करके देना नहीं चाहता था, कोई कॉस्ट अलग बताता था, कोई कॉस्ट अलग बताता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कॉस्टिंग, आपकी कॉस्टिंग कितनी लिया जाता है, उसके साथ आपकी सर्जरी कैसे किया जाता है। दिल्ली में दोस्तों कॉस्टिंग इनको अलग अलग बताया गया, कोई ₹100 ग्राफ्ट, कोई ₹50 ग्राफ्ट, कोई ₹30 ग्राफ्ट, कोई ₹40 ग्राफ्ट। ग्राफ्ट के कॉस्टिंग तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन सर्जरी अच्छी नहीं थी, रिजल्ट अच्छे नहीं था, लेकिन हमने इनको बहुत ही नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट करके दिया है सिर्फ ₹15 पर ग्राफ में। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कैसी हुई है मुझे बताएं, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो प्लीज़ जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं कमेंट ज़रूर करें, और मेरा दो वीडियो पिछला प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, जाके देखिए और रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा उस वीडियो पर। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। नमस्कार, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नितिन गुप्ता है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने एक बार भूपेंद्र भाई की यूट्यूब पे वीडियो देखी थी जो हेड ट्रांसप्लांट से रिलेटेड थी, और मैंने जब हेड ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स इस क्लिनिक के देखे तो मैंने इन पे कॉल की और मेरे को अच्छे से इन्होंने बताया और इन्होंने बोला कि एक बार पुणे आ जाइए और हेड ट्रांसप्लांट कीजिए, और मैंने इनके रिजल्ट भी देखे थे और रिजल्ट इनके बहुत ही 100% बेस्ट हैं। बाकी मैंने दिल्ली में भी क्लिनिक्स देखे लेकिन क्लिनिक्स उसमें बेस्ट नहीं थे, जो मैंने रिजल्ट यहाँ पर सिक्योर हेड ट्रांसप्लांट क्लिनिक में देखा इन पुणे, तो मैंने फिर एक दिन डेट बुक की 5000 रुपये दे करके, और मैं यहाँ पर उसके ही 7वें 8वें दिन पे यहाँ पर आ गया बाय ट्रेन, और यहाँ पर मेरा उसी के दूसरे दिन ट्रांसप्लांट किया गया।